आज मैं आपके साथ बैंगन चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो मैंने एक बड़े साइज का बैंगन लिए हैं, 1 ग्राम में 350 ग्राम है। 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल, 1/2 छोटी चम्मच नमक या अपने स्वाद अनुसार लेंगे, 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया काट कर लिए हैं और 1 लाल मिर्च लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले बैंगन को पकाते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं और इस तरह का जाली रखेंगे अथवा इस तरह का, और बैंगन में थोड़ा सा हाथों से तेल लगा लेंगे। इसमें तेल लगाने से बैंगन का छिलका जब पकेगा ये तो छिलका हमें निकालने में आसानी होगा। और इस तरह से इसमें चीरा लगा लेंगे, 2 चीरा लगा लेंगे देखिए, ताकि इसे पकाने में भी आसानी हो और अभी पता भी चल जाए कि चीरा है कि नहीं बैंगन में। देखिए दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा बैंगन है। और 1 चीरा और लगा लेंगे। देखिए बहुत साफ बैंगन है। अब इसे पकने के लिए रख देते हैं और इसे बीच बीच में घुमाते रहेंगे चारों तरफ। तो देखिए मैंने चारों तरफ इस तरह से घुमा घुमा कर पका लिए हैं बैंगन को। ये बैंगन ऑलमोस्ट पक चुका है। एक दो बार और चला लेते हैं इस तरह से चारों तरफ। अब गैस को लो करके बैंगन को अपने हाथों से दबाते हुए चेक करेंगे अच्छी तरह से पका है कि नहीं। इस तरह हल्के हाथों से इसे दबाएंगे तो पता चलता है कि ये सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे निकाल लेते हैं और ये लाल मिर्च को इस तरह से थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। अब गैस बंद कर देते हैं और बैंगन को ठंडा होने के बाद छील लेंगे। तो देखिए बैंगन थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसे हम इस तरह से छील लेंगे। तो सारे छिलके इसी तरह से उतार लेते हैं। पहले मैंने सारे बैंगन का छिलका उतार लिए, अब इसे इस तरह से हाथों से साफ कर लेंगे। देखिए छिलका कितना आसानी से उतर गया है, बहुत साफ हो गया है बैंगन। इसलिए हुआ है कि इसमें पहले हम तेल लगा लिए हैं। तो अब इसका डंठल पहले काट लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे। तो इसी प्लेट में रख लेते हैं, इसमें चोखा बनाएंगे। इस तरह से डंठल इसका काट लेंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है, अपने हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं और एक मैशर की सहायता से इस तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह मैश करने के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता, नमक, तेल सभी चीज़ें डालेंगे और इसमें हींग, जीरा और लाल मिर्च से तड़का भी लगाए जाते हैं। तो आप चाहे तो लगा ले, मुझे इसी तरह से पसंद है सिंपल तरीके से। तो मैं इसी तरह से चटनी बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब ये सारे मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें सारे मसाले डाल लेते हैं जो हमने लिए हैं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता, नमक, नमक थोड़ा बचा लेते हैं, मुझे ज़्यादा लग रहा है जितना लिए थे उसमें, और तेल। अब इसमें लाल मिर्च जो हमने पका कर रखे हैं ये इसे तोड़ कर डाल लेंगे इसे, और हाथों से मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी बैंगन की चटनी तैयार है। इसे आप चावल अथवा कोई भी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये रोटी के साथ ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप ये बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।